पटना से दिल्ली के लिए रिजर्वेशन कंफर्म नहीं मिला था तो तत्काल में वेटिंग ले लिया था और अभी ट्रेन में बैठ गया हूँ। दिल्ली सुबह में पहुँचा देगी, फिर दिल्ली से आगे के लिए रिजर्वेशन मेरा कन्फर्म है। होगा इस बार का टूर आप लोग दिखाएंगे, बढ़िया लगे हमारे। अभी मैं दिल्ली से गोवा संपर्क क्रांति से मैं ट्रेन में आ गया था। अभी अम्बाला कैंट पहुँचाओ, यहाँ से अभी कुरुक्षेत्र के लिए बस ले लूँगा और कुरुक्षेत्र अभी मैं कुरुक्षेत्र अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर कुरुक्षेत्र नज़ारा और कल गीता जयंती घूमेंगे तो उसका ब्लॉग में मैं आप लोग को डालूँगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग में और आप लोग का ध्यान ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। आज मैं कल ही कुरुक्षेत्र आ गया था और 2 से 19 दिसंबर को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा, इसका आयोजन इसके ठीक पीछे जो ब्रह्म सरोवर है इसी में होता है। उसका जो नज़ारा होगा मैं आप लोग को नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में डाल दूँगा और आप लोग इन्जॉय कीजिएगा और इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और ये सभी नज़ारा कुरुक्षेत्र हरियाणा से, ये जो सब सामने देख रहे हैं ये ब्रह्म सरोवर लोग अलग अलग तरीके में फोटो खिंचवा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक रॉयल पराठा जंक्शन लगा हुआ है जहाँ पर 30 इंच के 3 बड़े पराठा खाने पर बुलेट बाइक और 1 लाख इनाम और उम्र भर फ्री में खाना। अभी ब्रह्म सरोवर में रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है और इसका नज़ारा आप सामने देख सकते हैं और ये गीता जयंती 2 से 19 दिसंबर तक लगातार चल रहा है, इसका नज़ारा सामने। और 14 तारीख को गीता जयंती है। ये जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है गीता का सार और ये कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और आप सामने देख सकते हैं कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ पे सवार हैं। अभी मैं गीता जयंती देखने के लिए कुरुक्षेत्र आया हूँ और ये जितना भी नज़ारा आप देख रहे हैं सब कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर से है। और ये सभी नज़ारा कुरुक्षेत्र गीता जयंती ब्रह्म सरोवर से है।